दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे जुग जुग जियो के पांचवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और 777 चार्ली के 19वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे दोनों फिल्मों के अब तक के टोटल इंडिया नेट ग्रॉस ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं जुग जुग जियो के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 8 करोड़ 55 लाख का नेट कलेक्शन किया था तो दूसरे दिन में 12 करोड़ 3 लाख का कलेक्शन किया था और अपने तीसरे दिन यानी संडे के दिन में 14 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया था और इसी के साथ इस फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में 35 करोड़ 8 लाख का कलेक्शन किया था। अगर बात करें चौथे दिन के कलेक्शन की तो इस फिल्म ने अपने चौथे दिन में लगभग 4 करोड़ 60 लाख का कलेक्शन किया है और इसी के साथ इस फिल्म के चार दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 39 करोड़ 68 लाख हो चुका है तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 47 करोड़ 21 लाख हो चुका है। इस फिल्म के चार दिनों को ओवरसीज कलेक्शन 19 करोड़ 40 लाख हो चुका है। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के चार दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 66 करोड़ 61 लाख हो चुका है। अगर बात करें इस फिल्म के पांचवें दिन के कलेक्शन की तो ये फिल्म अपने पांचवें दिन में इंडिया में लगभग 4 करोड़ 10 लाख का नेट कलेक्शन करने वाली है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट 80 से 100 करोड़ के रेंज में है और जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में ही कहा था कि ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा एवरेज साबित हो सकती है क्योंकि ये फिल्म मंडी टेस्ट में भी फेल हो चुकी है। ये फिल्म या तो अब फ्लॉप होगी या तो एवरेज। अब जानते हैं 777 चार्ली के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। 777 चार्ली का तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है और फिर भी फिल्म के कलेक्शन काफी ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में हिंदी वर्जन में 2 करोड़ 55 लाख का नेट कलेक्शन किया था तो दूसरे हफ्ते में 3 करोड़ 5 लाख का कलेक्शन किया था और अपने तीसरे वीकेंड में 98 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 18वें दिन में लगभग 23 लाख का कलेक्शन किया और इसी के साथ इस फिल्म के 18 दिनों को टोटल हिंदी नेट कलेक्शन 6 करोड़ 81 लाख हो चुका है। वहीं इस फिल्म ने ऑल इंडिया में अपने पहले हफ्ते में 40 करोड़ 86 लाख का कलेक्शन किया था तो दूसरे हफ्ते में 25 करोड़ 52 लाख का कलेक्शन किया था और अपने तीसरे वीकेंड में 8 करोड़ 43 लाख का कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने अपने 18वें दिन में लगभग 1 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया है और इसी के साथ इस फिल्म के 18 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 76 करोड़ 31 लाख हो चुका है तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 6 करोड़ 50 लाख हो चुका है। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 5 करोड़ 70 लाख का कलेक्शन कर लिया। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 18 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 93 करोड़ 20 लाख हो चुका है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट लगभग 13 करोड़ है और ये फिल्म हिंदी में हिट साबित हो चुकी है तो ओवरऑल में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। साथ ही ये फिल्म सैंडलवुड में इंडस्ट्री हिट भी साबित हुई है। अगर बात करें इस फिल्म के 19वें दिन के कलेक्शन की तो ये फिल्म अपने 19वें दिन में इंडिया में लगभग 1 करोड़ 35 लाख का कलेक्शन करने वाली है। तो दोस्तों आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसे ही बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।